Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. Chapter 2, Calculating of YTM. This is Chapter 2 of Accounting and Finance for Bankers, Module A, Business, Mathematics and Finance. We will understand meaning of debt, understand what are bonds, what are the terms associated with bonds, what are the different types of bonds, what is optionality in bonds, valuation of the bonds, valuation of bonds which have semi-annual interest, half yearly interest in mein milta, current yield on bonds, bonds pe current yield kaise nikale, yield or maturity of bonds ke beech mein relationship, theorem of bond value, ye kya hai, bond ki duration se kya abhipraya hai, is bond ki duration ki kya properties hai, bond price ki volatility yani ki upar niche hona kaise manage kiya jata hai, what is a bond, bond kya hota hai, ek paper jisme ek company likh kar deti hai ki maine 10,000 रुपए देने का वायदा करती हूं, इस पेपर पर कंपनी यह भी लिख कर देती है कब 10 साल बाद फला फला तारीख को, और कंपनी यह भी लिख कर देती है कि इस बॉन्ड की इस वैल्यू पर इतना परसेंटेज मैं हर साल या हर 6 महीने के अंतराल में पैसा दूंगी। इस बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है जो उस पर लिखी रहती है कितने का यह बॉन्ड है, इसे पार वैल्यू भी कहा जाता है और यह बॉन्ड के ऊपर लिखी रहती है। यह वही अमाउंट है जो 8, 10 जो भी टाइम लिखा है उसके बाद कंपनी वापस लौटाएगी। इस बॉन्ड पर एक कूपन रेट होता है यानी कि रिटर्न क्या रहेगा, 8%, 10%। कूपन रेट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। इस बॉन्ड की एक मैच्योरिटी होती है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है। जैसे ही बॉन्ड मैच्योर करेगा जो इसकी वैल्यू है वो जो इसका धारक है उसे लौटानी होगी कंपनी द्वारा। जो पैसा लौटाया जाता है उसे रिडेम्पशन वैल्यू भी कहा जाता है। कभी कभी कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो प्रीमियम पे रिडीम किया जाता है, यानी कि फेस वैल्यू से 1,000 रुपए है और लौटाएंगे 1,100 रुपए, या कुछ रिडीम्पशन एट डिस्काउंट होते हैं जिसके अंदर जो फेस वैल्यू है 1,000 रुपए, लौटाएंगे 900 रुपए, 100 रुपए का डिस्काउंट है। मार्केट वैल्यू, जो बॉन्ड है उसकी फेस वैल्यू जरूरी नहीं है कि मार्केट वैल्यू भी हो। कुछ बॉन्ड्स जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है और आज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिर जाए तो उन बॉन्ड्स की वैल्यू ज्यादा होती है, हम आगे देखेंगे कैसे उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। और अगर उसका कूपन रेट कम है और आज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो उनका मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, वो हम देखेंगे कैसे। इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू क्या है, किसी भी बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके रिटर्न और उसकी फाइनल पेमेंट पर निर्धारित की जाती है कि कितना ये लाभप्रद है, वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी जो रिटर्न है, YTM yield to maturity उसका आज का डिस्काउंटेड रेट है, यह प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से निकाला जाता है। हम समझेंगे ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड वो पीरियड है, वो समय है जिसके लिए कस्टमर को रिस्क उठाना पड़ता है, आखिर में कंपनी रहेगी तो वो पैसा मिलेगा। हम चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। सबसे पहले 2.1, डेट क्या है। डेट वह दायित्व है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह अमाउंट है जो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देना है। ए अगर डेट में है तो उसे पैसा देना है, बी क्रेडिटर है वह पैसा लेगा। याद रहे बिजनेस अपने आप में एक एंटिटी है, यह एंटिटी दो रस्तों से धन प्राप्त करती है। पहला जो उसका ओनर है, वह जो पैसा इस बिजनेस में डालता है वह एंटिटी के लिए कैपिटल है, और दूसरा वह पैसा जो बिजनेस एंटिटी उधार लेती है वो
इस बिजनेस एंटिटी के लिए डेट है। बॉन्ड्स ज्यादातर कंपनियों द्वारा इश्यू किए जाते हैं, तो हम इस चैप्टर को समझते हुए हम कंपनी के संदर्भ में सभी चीजों को समझेंगे। कंपनी का कैपिटल ज्यादातर शेयर्स द्वारा प्राप्त किया जाता है और कंपनी का डेट बॉन्ड्स द्वारा, डिवेंचर द्वारा या बोरिंग्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। सो 2.1 में हमने समझा कि डेट क्या है, एक कंपनी डेट किस प्रकार से लेती है, ये किस प्रकार की देनदारी और दायित्व तो है जो एक कंपनी पर होता है। इसके बाद हम चलते हैं 2.2। बॉन्ड क्या है, व्हाट इज अ बॉन्ड। जब भी एक कंपनी बॉन्ड पेपर इश्यू करती है, उस बॉन्ड को जो व्यक्ति खरीदता है वह उस कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है और कंपनी उसकी डेटर बन जाती है। वह कभी भी कंपनी का ओनर नहीं बनता, वह केवल लेनदार है और कंपनी उसकी देनदार। इस बॉन्ड में कुछ करार रहता है जिसकी वजह से जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास कुछ राइट्स रहते हैं। उदाहरण, एक कंपनी 100 रुपए का बॉन्ड इश्यू करती है और उसपे कूपन वैल्यू यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देने को तैयार करती है वह 10%, यानी कि इस 100 रुपए के बॉन्ड पे प्रति वर्ष वह कंपनी 10 रुपए देने को का वादा करती है। और इस बॉन्ड का ड्यूरेशन 10 ईयर्स है, यानी कि यह 10 रुपया प्रति वर्ष 10 साल तक देने का वादा करती है और जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो यह 100 रुपया कंपनी लौटा देगी जो भी बॉन्ड होल्डर होगा। इन 10 सालों में यदि कंपनी का शेयर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उससे बॉन्ड के रिटर्न के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी प्रॉफिट कमाती है या लॉस में जाती है, बॉन्ड धारक को अपना अधिकार मिलेगा, उसको 100 रुपए के शेयर पर 10 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। कंपनी के प्रॉफिट या लॉस से उसको कोई सरोकार नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि बॉन्ड शेयर्स के मुकाबले लेस रिस्की है, इसमें रिस्क कम है। कंपनी द्वारा बॉन्ड इश्यू करने में एक और फायदा है, बॉन्ड में जो इंटरेस्ट कंपनी देती है वह कंपनी के एक्सपेंडिचर में आता है और वह प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले डिडक्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर उसे टैक्स नहीं देना पड़ता। जबकि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वह प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं किया जाता, वह पोस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि उसके ऊपर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स लग चुका होता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड्स कंपनी द्वारा भी इश्यू किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा भी इश्यू किए जाते हैं और यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की भांति ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। एक बात और समझने वाली है कि बॉन्ड्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो प्रकार के होते हैं। जिन बॉन्ड्स के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी प्लेज की जाती है वह सिक्योर्ड कहलाते हैं और जिसमें नहीं होती उन्हें अनसिक्योर्ड कहा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बॉन्ड की तरह ही होता है और बैंक एक साल के लिए इश्यू करता है, ऐसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बॉन्ड की परिभाषा में नहीं आते, ये केवल एक वर्ष के लिए। बॉन्ड 8 से 10 या 15 साल के लिए इश्यू किए जाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड कहलाता है। सो 2.2 में हमने समझा कि बॉन्ड एक पेपर है जो कंपनीज इश्यू करती हैं या गवर्नमेंट इश्यू करती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इस पे एक फिक्स कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यह टैक्स या जो इंटरेस्ट दिया जाता है वह एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाता है और टैक्स से कंपनी के लिए एग्जम्प्टेड होता है। बॉन्ड छोटे समय के लिए नहीं होते, लंबे समय के लिए होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 2.3। नेक्स्ट 2.3, कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स। कुछ टर्म्स जो बॉन्ड के साथ जुड़े हैं वो हैं, पहला फेस वैल्यू, यह बॉन्ड के ऊपर लिखा रहता है, 100 रुपया हो सकता है, 1000 रुपया हो सकता है और यह अमाउंट उसकी फेस वैल्यू है, यानी कि उस बॉन्ड को कभी कहा जाएगा कितने का बॉन्ड है, 100 रुपए का बॉन्ड है या 1000 रुपए का बॉन्ड है। इश्यू हो सकता है कि यह बॉन्ड डिस्काउंट पे इश्यू किया गया हो या प्रीमियम पे इश्यू किया गया हो, लेकिन उसकी फेस वैल्यू सदैव ही वही रहेगी जो उसके ऊपर लिखी रहती है। क्या इसकी फेस वैल्यू है? कंपनी के लिक्विडेशन होने पर यह अमाउंट प्राप्त करने का बॉन्ड होल्डर सदैव ही अधिकारी है। एक और टर्म यूज किया जाता है, कूपन रेट। बॉन्ड के ऊपर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का वायदा किया जाता है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही कूपन रेट कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है मैच्योरिटी।
हर बॉन्ड की एक मैच्योरिटी टाइम होता है जो उस पर मेंशन रहता है, और जिस दिन वह बॉन्ड मैच्योर कर जाता है उस दिन जो उसका फेस वैल्यू है वो कस्टमर को या बॉन्ड होल्डर को रिडीम करनी होती है, अगर रिडम्पशन फेस वैल्यू पर है। अगर रिडम्पशन डिस्काउंट पर है तो वह उतना डिस्काउंट काट लिया जाएगा, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो वह एडिशनल प्रीमियम दिया जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी डेट पर बॉन्ड की पेमेंट करना कंपनी का दायित्व है। व्हाट इज रिडम्पशन वैल्यू? वो वैल्यू या वो अमाउंट जो बॉन्ड होल्डर प्राप्त करने का अधिकारी है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर प्रीमियम है तो से 1000 रुपए पे 100 रुपए प्रीमियम है तो 1100 रुपया लेने का अधिकारी है, तो ये है इसकी रिडम्पशन वैल्यू। अगर रिडम्पशन डिस्काउंट पर है, से 1000 रुपए का बॉन्ड 100 रुपए के डिस्काउंट पर रिडम्पशन होगा तो मैच्योरिटी डेट पर वह 900 रुपए लेने का अधिकारी है। सो ये जो पैसा उसे मिलेगा उसे रिडम्पशन वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू। जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू हो यह जरूरी नहीं है। यह दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है, बॉन्ड का कूपन रेट क्या है, और इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है जो मार्केट में है। अगर बॉन्ड का कूपन रेट ज्यादा है और इस समय मार्केट रेट कम है तो उस बॉन्ड पे प्रीमियम मिल जाता है, और अगर इस समय मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और बॉन्ड पे कूपन रेट कम है तो उसकी मार्केट वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम हो जाती है। मार्केट वैल्यू पर लोग बॉन्ड को परचेज करने के लिए ऑफर देते हैं, और जो बॉन्ड होल्डर है वो चाहे तो उसको उस रेट पर बेच सकता है जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है। नेक्स्ट टर्म इज डे काउंट कन्वेंशन। डे काउंट कन्वेंशन क्या है? डिफरेंट कन्वेंशंस, डिफरेंट तरीके फॉलो किए जाते हैं डे काउंट करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड जरूरी नहीं है कि एक साल के अंतराल पर ही बेचा जाए या खरीदा जाए, हो सकता है 3 महीने बाद, हो सकता है 90 दिन बाद, हो सकता है जो बॉन्ड का इंटरेस्ट मिलने के 120 दिन बाद। एक्चुअल डे कन्वेंशन इज 365 दिन का साल माना जाता है, चाहे वो लीप ईयर है चाहे ऑर्डिनरी ईयर है। यदि बॉन्ड पे लिखा है एक्चुअल 360 तो उसके अंदर एक साल को 360 दिन के रूप में माना जाता है किसी भी कैलकुलेशंस के लिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। महीना चाहे 31 दिन का हो उस महीने को 30 दिन के रूप में ही माना जाता है। सो 2.3 में हमने देखा कि फेस वैल्यू जो उस पर लिखी रहती है, कूपन रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और उसके बाद डे कन्वेंशन, मैच्योरिटी वैल्यू, ये सब टर्म्स हमने समझे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन 2.4 में टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को समझेंगे। 2.4, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का विभाजन टैक्स के आधार पर, क्रेडिट क्वालिटी के आधार पर, कंपनी द्वारा इशू किया गया है, गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, मैच्योरिटी का ड्यूरेशन क्या है, और सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, इन सब आधार पे टाइप्स फिक्स किए जाते हैं बॉन्ड्स के। नेक्स्ट, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स क्या हैं? जिन बॉन्ड्स का कूपन रेट फिक्स रहता है उन्हें फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स जिनका कूपन रेट से लाइबर या माइबर, लाइबर इज लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, माइबर इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट से लिंक्ड रहता है और फ्लोट करता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ऐसे को हम फ्लोटिंग बॉन्ड रेट कहते हैं। ऐसे बॉन्ड्स को हम फ्लोटर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो जीरो कूपन रेट के, यानी कि इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है। एक बॉन्ड है 1000 रुपए का, पेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो आज वो हो सकता है डिस्काउंट में 600 रुपए के अंदर गवर्नमेंट ऑफर करे, तो आज जो 600 रुपए का बॉन्ड आदमी खरीदेगा उसके ऊपर कूपन रेट जीरो है, कोई उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी पर 10 साल बाद उसे 1000 रुपया मिल जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम जीरो कूपन रेट बॉन्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, हाई यील्डिंग बॉन्ड्स, इन्हें जंक बॉन्ड्स भी कहा जाता है। वे कंपनी जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, जिनमें डाउट है उनकी रेटिंग पे, उनके कूपन रेट्स काफी हाई होते हैं। अगर मार्केट में 6% चल रहा है तो उनका कूपन रेट 10 या 11% भी होता है।
इसमें बॉन्ड होल्डर को रिस्क उठाना होता है, उसे पता नहीं होता कि 10 साल बाद यह कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कुछ कंपनीज ऐसे बॉन्ड्स इश्यू करते हैं कि वो मैच्योरिटी पर शेयर्स में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे बॉन्ड्स को कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का जो कूपन रेट है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर फाइनल मैच्योर्ड वैल्यू इज लिंक्ड टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो उनपे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, वो उसी से ही लिंक्ड होते हैं और उनकी मैच्योरिटी वैल्यू भी उसी से लिंक्ड होती है कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स क्या है उसके आधार पर उनकी फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट, इंडेक्स बॉन्ड्स। यह इंडेक्स बॉन्ड्स किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से कनेक्टेड रहते हैं। यह इंडेक्स हो सकता है किसी कंट्री की जीडीपी या किसी इंडस्ट्री की ओवरऑल एवरेज ग्रोथ। नेक्स्ट, असेट बैक्ड सिक्योरिटी बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स का रिटर्न और फाइनल पेमेंट निर्धारित किया जाता है जिस असेट्स पर वे बेस्ड होते हैं। इनका रिटर्न मॉर्टगेज सिक्योरिटी से कनेक्टेड होता है। उदाहरण, एक 100 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली गई और 100-100 रुपए के 1 करोड़ बॉन्ड्स इश्यू कर दिए गए। 10 साल तक इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया गया और उसका जो रेंट है वो बॉन्ड के कूपन के रेट में दिया गया। 10 साल के बाद इस बिल्डिंग को बेचा गया। बेचने के बाद जो इस बिल्डिंग की वैल्यू मिली उस बिल्डिंग के आधार पर यह 1 करोड़ रुपए से विभाजित करके हर 100 रुपए के बॉन्ड को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जिन बॉन्ड्स की प्रायोरिटी ऑन लिक्विडेशन पीछे रहेगी, कम रहेगी, ऐसे बॉन्ड्स को सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स की परिभाषा दी जाती है। नेक्स्ट, कवर बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स का रिटर्न कैश फ्लो, पब्लिक सेक्टर के कैश फ्लो पर निर्धारित रहता है। इन बॉन्ड्स का रिटर्न पब्लिक सेक्टर की बैलेंस शीट के रिटर्न के बेसिस पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, परपेचुअल बॉन्ड्स। इन्हें परपेचुटीज भी कहा जाता है। यह बॉन्ड सदैव के लिए इश्यू किए जाते हैं। इनकी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। इनका कूपन रेट लगातार पे करते रहेंगे हमेशा के लिए। नेक्स्ट, बेयरर बॉन्ड्स। बेयरर बॉन्ड्स रिस्की हैं। जिसके के हाथ में यह कागज होगा, बेयरर बॉन्ड जिसके पास भी होगा, वह जाके कंपनी से मैच्योरिटी पर पैसा क्लेम कर सकता है। बेयरर बॉन्ड्स बहुत रिस्की हैं, ये चुराए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिन्हें ट्रेजरी बॉन्ड्स भी कहा जाता है। दे आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट्स। ऐसे बॉन्ड्स में अंदर डिफॉल्ट रिस्क लगभग जीरो, दे आर वेरी सेफ। सेक्शन 2.4 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखे जिसके बेस्ड ऑन टैक्स, ऑन देयर मैच्योरिटी, सिक्योरिटी, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, इंडेक्स्ड, हाई यील्डिंग, कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सबऑर्डिनेट, कवर्ड, परपेचुअल, जीरो कूपन, बेयरर, गवर्नमेंट। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को स्टडी करने के बाद हम 2.5 में सेक्शन में हम स्टडी करेंगे ऑप्शनैलिटी इन बॉन्ड्स। नेक्स्ट, 2.5, व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शनैलिटीज इन द बॉन्ड्स। कॉल ऑप्शन। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनके अंदर जो इश्यू करने वाली कंपनी है वो सर्टेन पीरियड से मैच्योरिटी से पहले ही चाहे तो अपने बॉन्ड्स कॉल फॉर कर सकती है। ऐसे बॉन्ड्स को कॉलेबल बॉन्ड्स कहा जाता है और इस पर डिफरेंट कॉल डेट्स और उसकी वैल्यू जो कंपनी देगी वो मेंशन रहती है। मोस्टली कॉल बैक पार वैल्यू पर होता है। कभी कभी कंपनीज कुछ प्रीमियम पे भी कॉल कर लेती हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड्स विथ पुटेबिलिटी। ऐसे बॉन्ड्स जिनको कभी भी जिसने परचेज किया है बॉन्ड को वो कंपनी के पास जाकर अपना पुट ऑप्शन कर सकता है और अपना कैश वापस मांग सकता है। यह पुट डेट्स ऑफन मेंशन रहती है जिस पर बॉन्ड होल्डर जाकर उस बॉन्ड के बदले अपना कैश वापस ले सकता है। इसे पुट ऑप्शन की संज्ञा दी जाती है।
ऐसे बॉन्ड्स को रिट्रैक्टेबल बॉन्ड्स या पुटेबल बॉन्ड्स भी कहा जाता है। सो 2.6 में हमने देखा कि बॉन्ड के अंदर दो ऑप्शंस पॉसिबिलिटी हैं, कॉल ऑप्शन जिसके अंदर कंपनी चाहे तो कॉल कर सकती है पैसे को, बॉन्ड्स को, और कैश देके ले सकती है। दूसरा है पुट ऑप्शन जिसके अंदर जो बॉन्ड होल्डर है वो कंपनी के पास जाकर अपने बॉन्ड्स वापस करके कैश ले सकता है। नेक्स्ट वी गेट टू सेक्शन 2.6। नेक्स्ट, बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। बॉन्ड एक स्पेसिफिक अमाउंट का रेगुलर रिटर्न देते हैं, इसलिए उसके आधार पर उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, जिसे इंट्रेंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। पिछले चैप्टर में जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला समझाया गया था उसी के बेसिस पर बॉन्ड के फ्यूचर रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट 2.7, वैल्यू ऑफ बॉन्ड विथ हाफ ईयरली रिटर्न्स। कुछ बॉन्ड सेमी एनुअल इंटरेस्ट देते हैं, जो बॉन्ड हर 6 महीने पे इंटरेस्ट दे रहा है उसकी वैल्यू एनुअल इंटरेस्ट देने के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे कि हम प्रेजेंट वैल्यू उसकी जो कैलकुलेट करेंगे वो एनुअल इंटरेस्ट से ज्यादा होगी। इसकी कैलकुलेशन करते समय जो रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाएगा, और अगर रिमेनिंग पीरियड 5 ईयर्स है तो वो डबल हो जाएगा। इसके बेसिस पे फॉर्मूले से हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 2.8, व्हाट इज करंट यील्ड ऑन बॉन्ड। करंट यील्ड ऑन बॉन्ड, यील्ड का अर्थ होता है रिटर्न जो मिल रहा है। बॉन्ड की मार्केट प्राइस जैसे कि मैंने बताया कि फ्लक्चुएट कर सकती है, तो उसके बेसिस पे क्या उसे रिटर्न मिल रहा है, जो यील्ड मिल रही है उसे हम बोलेंगे करंट यील्ड ऑन बॉन्ड। उदाहरण से समझते हैं, एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपये है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% है, यानी कि 80 रुपये, और ये बॉन्ड जो है वो 800 रुपये में मिल रहा है। तो 800 रुपये का बॉन्ड खरीदता है कस्टमर, उसको रिटर्न कंटिन्यूसली 80 रुपीज मिल रहा है, यानी कि उसका जो रिटर्न होगा 80/800, दैट इज 10%। नेक्स्ट, यील्ड टू मैच्योरिटी YTM ऑफ द बॉन्ड। यह बॉन्ड का वो रिटर्न है जो होल्डर यदि मैच्योरिटी तक होल्ड करे तो उसे क्या रिटर्न मिलेगा। इसके लिए हमें उस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिपेंडिंग हमें उसका रिटर्न मालूम है, रिमेनिंग पीरियड मालूम है और मैच्योरिटी वैल्यू मालूम है, इनके बेसिस पर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 2.10, थ्योरम फॉर बॉन्ड वैल्यू। बॉन्ड वैल्यू के बारे में यह थ्योरम क्या कहती है, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कूपन रेट सेम है तो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो उसके फेस वैल्यू के बराबर होगी। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और कूपन रेट कम है तो बॉन्ड की वैल्यू उसके फेस वैल्यू से कम होगी। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेस है और कूपन रेट हाई है तो बॉन्ड की वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। फोर्थ, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कूपन रेट, जैसे मैच्योरिटी के पास जाएगा जो डिस्काउंट रेट है वो कम होता जाएगा। व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट, जो प्रीमियम मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे मैच्योरिटी अप्रोच करेगी। थ्योरम कहती है बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर YTM में और कूपन रेट में डिफरेंस है तो यह डिफरेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे मैच्योरिटी पास आएगी, और जितना लंबा पीरियड है उतना ज्यादा डिफरेंस होगा। सेक्शन 2.10 में थ्योरम टू बॉन्ड वैल्यू हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बॉन्ड के जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न है और जो बॉन्ड का कूपन रेट है उसके बेसिस पे बॉन्ड के प्राइसेस डिटरमाइंड होते हैं। दूसरा हमने देखा कि जितनी दूर मैच्योरिटी होगी उतना इसका इंपैक्ट कम होगा, जैसे जैसे मैच्योरिटी पास में आती जाएगी डिस्काउंट और प्रीमियम रेट कम होता जाएगा। और यील्ड टू मैच्योरिटी के साथ भी हमने ये चीज ऑब्जर्व करी, जितना ड्यूरेशन लंबा होगा YTM में परिवर्तन आने पे उतना उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। नाउ लेट अस रिवाइज। कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी जनरेट फंड्स आइदर थ्रू इक्विटी दैट इज शेयर कैपिटल और थ्रू लोन्स दैट इज थ्रू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स।
बॉन्ड्स आर अ डेट इंस्ट्रूमेंट द पर्पज इज टू रेज फंड्स फॉर द कंपनी बॉन्ड्स हैव अ कूपन रेट विच इज द इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू विच इज रिटन ऑन देयर फेस विच इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इफ इट इज टू बी रिडीम्ड एट द सेम वैल्यू बॉन्ड्स आर इश्यूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड उनके लिए जो ड्यूरेशन है वो फिक्स रहता है मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर बॉन्ड की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योरिटी के पास पहुंचेगा वैसे वैसे इसकी फेस वैल्यू के निकट ही इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी अगर मेच्योरिटी का ड्यूरेशन ज्यादा है तो मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट उसके प्राइस पर ज्यादा होगा हम किसी भी बॉन्ड की इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं YTM या यील्ड टू मैच्योरिटी रेट वो डिस्काउंट रेट है या वो रिटर्न है जो बॉन्ड अर्न कर सकता है यदि इट इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी सो फ्रेंड्स दिस वॉज चैप्टर 2 आई डू होप यू हैव एंजॉयड इट इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन मेल टू मी एट akagrawal99@gmail.com और कॉल मी 9999422886 थैंक यू